वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे बाजरे की रोटी। बाजरा हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। ये हमें वेट लूज करने में भी हेल्प करता है, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर एंड ब्लड शुगर के लेवल्स को भी रिड्यूस करता है। इस हेल्दी फूड को सिंपल एंड टेस्टी वे में कैसे बनाना है, चलिए देखते हैं। हम एक बाउल में एक कटोरी बाजरे का आटा लेंगे, अच्छे से बारीक कटा हुआ प्याज, धनिया और बारीक कटी हुई हरी मिर्च, दो हरी मिर्च डाली है मैंने, आधा चम्मच नमक और एक चम्मच घी। यहाँ पे हम देसी घी यूज़ कर रहे हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम इसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं डाल रहे हैं क्योंकि बाजरे का अपना फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। आप चाहें तो इसमें हरी लहसुन बारीक कटी हुई डाल सकते हैं। थोड़ा पानी डालेंगे। हमें टाइट डो फॉर्म करना है तो हम ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, जितनी ज़रूरत होगी उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा और डालेंगे। ये देखिए हमारा डो रेडी है। थोड़ा सा घी और लगा दिया। अब हम रोल करेंगे। चपाती से थोड़ा बड़ा बॉल लेंगे। ये देखिए इस साइज का। एक क्लीन प्लास्टिक शीट लेकर इस पे थोड़ा सा ऑयल लगा दीजिए। अब हम इस तरीके से हाथ से थोड़ा थोड़ा फैलाएंगे। बहुत इजीली हाथ से ये फैल जाता है। आपको हाथ को बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, हल्के हाथ से फैलाएंगे। देखिए इस तरीके से। हमारी रोटी रेडी है। ये सेकेंड मेथड है। आप इसे थोड़ा सा फैलाएंगे। और फिर हम इसे बेलन से थोड़ा सा रोल कर देंगे। इससे आप इसे थोड़ा सा पतला बना सकते हैं। अगर आप इसे घुमाते हैं तो आप पॉलिथीन को घुमाएंगे। ये देखिए हमारी बाजरे की रोटी पतली भी है और कहीं से क्रैक्स भी नहीं है। यहाँ पर मैं लोहे का घर का तवा यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और अब हम इस तरीके से पॉलीथीन को साथ लेते हुए रोटी को उठा के तवे पे डाल देंगे। ये देखिए ऐसे क्रैक्स को आप जोड़ सकते हैं। थोड़ा सा ऑयल दोनों साइड्स पे। और थोड़ा सा किनारों पे भी डालेंगे ताकि किनारे भी अच्छे से पक जाएं। इसे इवनली कुक करने के लिए हम इसे लो से मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। और ये देखिए हमारी सुंदर गोल्डन कलर्ड बाजरे की रोटी तैयार है। आप घी और बटर के साथ लेंगे तो ये और भी टेस्टी लगेगी, बट ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। आप इसे वेजिटेबल, सब्जी, दाल, चटनी, अचार किसी के साथ भी ले सकते हैं। आप इसे घर में ज़रूर ट्राई करें और कैसी बनी ये हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।